हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जिसका नाम है नायला की रसोई। और आज हम रसोई में बनाने जा रहे हैं मटन पाया। सारा सामान रेडी है, देखते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पाया लिया है हमने, और पाए के साथ हमने लिए बॉन्ग। ये मटन के पाए हैं। ये थोड़े आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन आज हमारे यहाँ थोड़े गेस्ट आने हैं, इसलिए ज़्यादा हैं। बहरहाल इसके लिए हमने लिया है, सबसे पहले ये लहसुन का पेस्ट है। दो लहसुन लिए हैं मैंने, बड़े बड़े, और उसका ये पेस्ट है। दो से तीन हमने बड़ी प्याज लेनी है, उसका पेस्ट बना लेना है। और गरम मसालों में हमने तीन से चार अदद लिए हैं तेज़ पत्ते के। चार ली है हमने बड़ी इलायची, और आधा चम्मच सिया मिर्च है, और 10 से 12 ये हमने लौंग ली है। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, क्योंकि हमें दो अलग अलग जगह बनाना पड़ेगा इसको। और ये ली है हमने हल्दी 1 चम्मच, और 1.5 चम्मच हमने लिया है धनिया पाउडर। हल्दी हमने ज़्यादा नहीं ली है, इससे येलो कलर ज़्यादा आ जाता है, पाए में येलो कलर अच्छा नहीं लगता। और धनिया भी हमने 1.5 चम्मच लिया है, ज़्यादा लेंगे अगर तो शोरबा हमारा गाढ़ा हो जाता है। मिर्ची है, मिर्ची हमारी है 2 से 2.5 चम्मच। ये धनिया की पत्ती है, और ऑयल। सबसे पहले हम इसको बॉईल करेंगे। दोनों को मैं अलग अलग बॉईल करूँगी, साथ में इसको बॉईल इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बोटी है, बोटी जल्दी गल जाएगी, और नली थोड़ा टाइम लेती है। अगर हमने साथ में रख दिया तो ये सारा इसका चूरा हो जाएगा, सारा घुल जाएगी बोटी। तो हम दोनों को अलग अलग उबलने रखते हैं। तो ये हमने पाए अपने, ये मेरे पास बड़ा कुकर था, पाए हमारे ज़्यादा है क्वांटिटी में, इसलिए मैंने ये बड़े कुकर में डाल दिए हैं पाए। और इसमें सिर्फ हमने नमक और पानी, दो चीज़ें ऐड करनी है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो उबल करके बाहर आ जाता है। देखिए, मैंने पानी बस सिर्फ इतना रखा है कि ये इसके अंदर डिप हो जाए। इसमें मैं 2 चम्मच के करीब डाल रही हूँ नमक, और इसको हम कर देंगे बंद। कुकर हमने बंद कर दिया है, अब हम इसमें सीटी लगाएंगे। ये मैं 3 सीटी लगाऊंगी हाई फ्लेम पे, और 3 सीटी लगाऊंगी मैं इसको लो फ्लेम पे। अगर आप बड़े के पाए बना रहे हैं तो थोड़ी सीटी इस पे ज़्यादा लगा लें, क्योंकि पाए जो है वो लेट गलता है, टाइम लेता है। चलिए, अब मैं जो हमारा ये बॉन्ग का गोश्त है, मैं इसको भी बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। ये बॉन्ग का गोश्त मैंने कुकर में डाल दिया है, इसको भी हम सेम उसी तरीके से बॉईल करेंगे। पानी और नमक डाल करके, इसमें भी पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, सिर्फ मैंने इतना पानी रखा है कि हमारा गोश्त इसके अंदर डिप हो जाए। मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, नमक इसमें ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, 1 चम्मच नमक इसमें डालना है, क्योंकि हमने पाए में भी डाला है, ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा नमक हो जाए। चलिए इसको भी बंद कर देते हैं। इसको मैंने 2 सीटी हाई फ्लेम पे लगानी है, और 2 सीटी मैंने लो फ्लेम पे लगानी है। तो हमारे कुकर में दोनों में सीटी आ चुकी है, बॉन्ग भी हमारी गल चुकी है और पाए भी हमारे गल चुके हैं, लेकिन अभी हमने खोल करके देखना बाकी है। मैंने इसकी सीटी को ना निकाला नहीं, एकदम से निकालते हैं तो इसमें पानी आ जाता है। हमने बहुत कम पानी रखा था, फिर भी इसमें पानी काफ़ी निकला। तो अभी मैं इसको खोलने जा रही हूँ।
ये देखिए इसका पता ऐसे चलेगा कि ये जो इसका होता है ना, इसको हमने छू करके देखना है। अगर ये टूट जाता है अच्छे से तो ये गल चुके हैं। ये हमारे पाए बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। अभी हमने इसको अलग कर लेना है, पानी को अलग और हड्डियों को अलग, क्योंकि इसका ज़्यादातर क्या होता है, हड्डियों का चूरा हो जाता है जो फिर शोरबे में आता है ना खाते हुए, तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए हम इसको अलग कर लेंगे, जो इसका चूरा होगा वो अलग रह जाएगा और पानी अलग। मैं इसको पलट दूंगी छलने में। देखिए ये चूरा है, अभी इसमें भी काफी ऐसा चूरा निकलेगा हड्डी का। अब मैं एक एक हड्डी को झाड़ करके अलग कर दूंगी। ये देखिए मैंने हड्डी सारी अलग कर ली है उसमें से, और ये पानी हमारा अलग हो गया है। ये भी छना हुआ पानी है, इसमें कोई किर्ची नहीं होगी। अब हम मसाला भून लेते हैं इसका। देखिए बोंग भी हमारी अच्छे से गल चुकी है, सारी बोटी एकदम गल चुकी है और ये एकदम घुली भी नहीं है, तो ये बहुत सही हो गई है। मैं इसमें सबसे पहले ऑयल गरम कर लेती हूँ अच्छे से। ऑयल अपने अकॉर्डिंग डालें, ज़्यादा या कम, जिसको जैसा पसंद हो। मैंने ना ज़्यादा रखा है इसमें ऑयल और ना ही कम रखा है, बिल्कुल ठीक रहेगा। ये थोड़ा सा गरम होने देते हैं। मैं इसमें सबसे पहले ये प्याज का जो पेस्ट है ये डाल देती हूँ और इसको अच्छे से भून लूँगी। जो गरम मसाले हैं हमारे साबुत, मैं वो भी इसके साथ ही डाल दूँगी। इसको अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा भूनने में टाइम लगेगा इसको। इसका मसाला जितना भुना हुआ होगा ना, इसमें टेस्ट उतना ज़्यादा आएगा। अभी प्याज को भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये मसाला जो हमने प्याज डाली थी वो अच्छे से हमने भून लिए। ये करीब मुझे हो गए हैं 7 से 8 मिनट इसको भूनते हुए, और इसका कलर चेंज हो चुका है, पानी इसका सारा खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर ये लहसुन का पेस्ट जो था ये ऐड करेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं 5 से 7 मिनट। इसका जो स्मेल है लहसुन की वो निकल जाए अच्छे से बस। मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, लहसुन मैंने भून लिया है अच्छे से। अब जो हमारे ये मसाले हैं ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसमें मैं पानी जो नॉर्मल वाटर है ना, बिल्कुल सिंपल पानी नहीं डालूंगी, जो ये हमने यखनी बनाई थी मैं इसी को इसमें डालूंगी। थोड़ा ही सा इस्तेमाल करना है भूनने के लिए, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते रहेंगे, मसाले को भूनते रहेंगे। कम से कम 10 से 12 मिनट आप इसको भूनिए, जितना ज़्यादा भुनेगा उतना टेस्टी होगा। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते रहेंगे जब पानी खुश्क हो जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, हमें 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए सारा ऑयल इसका ऊपर आ गया है। तो मसाला हमारा रेडी है। अब हम इसके अंदर जो हमारी ये हड्डियाँ हमने अलग करी थी ना वो डाल देते हैं, और साथ में डाल देंगे ये बोंग का गोश्त।
इसको पहले हम देख लेते हैं इसका शोरबा कितना गाढ़ा है कितना पतला है। अभी इसमें देखिए इतना पतला है लेकिन अभी इसमें हमें और शोरबा रखना पड़ेगा क्योंकि प्याज है ना, तो प्याज पानी पी जाती है सर। इसका शोरबा पतला ही होता है इसलिए हम इसको पतला ही रखेंगे। ये मैंने सब मिक्स कर दिया है, अब मैं इसको बॉयल आने के लिए रखूंगी। इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा, हड्डियों में और बोटियों में ये जो मसाला है इसका टेस्ट आ जाएगा। तो आप इसको 10 मिनट कम से कम इसको बॉयल आने दें। मुझे तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको मसाले को सॉरी इस पाए के शोरबे को बॉईल आने दिया हमने। और ये देखिए पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। मैं अब गैस ऑफ कर देती हूँ और अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया की पत्ती। हरे धनिया की पत्ती डाल देने से इसमें खुशबू तो आएगी ही, बाकी पाया जो होता है वो काफ़ी हैवी होता है तो वो डाइजेस्ट करने में भी हरा धनिया काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो आप हरा धनिया ज़रूर डालें इसमें। ये अब हमारा तैयार हो गया है, मैं इसको निकालती हूँ डिश में और आपको दिखाती हूँ। तो यह हमारा पाया बिल्कुल तैयार है और आप भी इसको ट्राई करें इस रेसिपी को और हमें बताएंगे आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत ज़्यादा मसाले इसमें यूज़ नहीं हुए। आप इसको ट्राई ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।